guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video we are going to discuss another topic of homeopathic pharmacy जो कि कई बार short notes में पूछा जाता है and that is ointment. इसकी definition की अगर हम बात करें so these are the semi-solid preparations. They should have required consistency so that they may be readily applied on the skin by rubbing. तो हम सबको पता है that ointments are used over the skin और हम उसे gently rub करके लगाते हैं so that ointment should have semi-solid consistency ताकि वो बहुत ज़्यादा flowy ना हो और easily apply हो पाए. They should be soft and do not required melting on application. ठीक है, इसको हम therapeutic creams के नाम से भी जानते हैं. Preparation कैसे किया जाता है इसका कई बार पूछा गया है. तो one part हम लेते हैं mother tincture का और उसमें 9 parts mix करते हैं क्या vaseline. ठीक है, तो दीज बोथ थिंग्स आर मिक्स्ड एंड जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है हमारे पास मदर टिंक्चर की वो और वाइट वैसलीन यहाँ पर यूज़ किया जाता है एज इंग्रेडिएंट्स. और हम इसका प्रोसीजर देखें तो क्लीन स्लैब पे मदर टिंक्चर को डालकर पहले वैसलीन डाली जाती है. आफ्टर दैट मदर टिंक्चर उस वैसलीन के ऊपर डाला जाता है. Then it is mixed with spatula until the color of the whole solution becomes uniform. ठीक है, all ointment other than sulfur graphitis are prepared as above. Sulfur and graphitis के जो ointments हैं वो ऐसे prepare नहीं किए जाते हैं because they are insoluble substances. ठीक है, उसको प्रिपेयर करने का जो तरीका होता है एक तो केमिकल है और एक ग्रेफाइट है. सो उन दोनों को मिनरल किंगडम और केमिकल को अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, इसके स्टोरेज की अगर हम बात करें तो दे शुड बी स्टोर्ड इन कूल एंड ड्राई प्लेस. यूजेस ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्रूइजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. ड्रेसिंग कर सकते हैं वूंड की, अल्सर्स की, फिशुला की, कार्बंकल्स की, क्रैक्ड हील्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड दे आर वेरी यूजफुल फॉर बर्न्स. ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज़ इट अबाउट टुडेज़ सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड ऑइंटमेंट्स. फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे वीडियोस होम्योपैथिक फार्मेसी के ऑलरेडी एग्जाम बेस्ड टॉपिक्स की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो आप उसे ज़रूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मैनी यूजफुल थिंग्स देयर. थैंक यू.